झोले सब है आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, महर्षि दयानंद की जिनकी ये कर्म भूमि है, आदरणीय चंद्रूप आर्य जी की वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन सबको सादर नमस्ते जी, सदा रहो हंसते जी, चलो वेद के रस्ते जी। अब हमारे जो साथ मौजूद है अनिशा जांगी जी, जो नवयुक्त सरपंच जी है, उनसे बात कर लेते हैं। सरपंच जी, जिस तरीके से हमने देखा अब की बार जो है युवाओं को सरपंच चुना गया और तब से लेके अब तक जो है कुछ ना कुछ अलग अलग एक्टिविटी होती रहती है, आज जो है हवन यज्ञ किया गया है, क्या कुछ कहना चाहोगे? सर, सबसे पहले तो मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगी पूरे गांव को जो नए वर्ष की, और नए वर्ष पर मैं कामना करूँगी कि हमारा गांव दिन प्रतिदिन तरक्की करे। और जैसे कि हमारे मुझे जो हमारे पूर्व मंत्री जी हैं उन्होंने निर्देश दिए कि अभी पूरा गांव, मैं ये कहना चाहूँगी कि जब मैं पूरे गांव की सरपंच हूँ और ये जो आवाज़ मैं आज बोल रही हूँ ना, ये आवाज़ मेरे अंदर 12 नवंबर को पूरे गांव के एक एक आदमी ने फूकी है, जिस आवाज़ से मैं बात कर रही हूँ आज। और ये विश्वास मुझे गांव के एक एक आदमी ने दिया है, जिस आवाज़ से मैं बोल रही हूँ, जिस बुलंद आवाज़ से मैं बोल पा रही हूँ, ये मेरे गांव की आवाज़ है, मेरे गांव के एक एक बुज़ुर्ग का आशीर्वाद है, एक एक हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, उनका प्यार है, बच्चों का प्यार है, जो जिसके कारण मैं आज बोल पा रही हूँ और मेरी आवाज़ निकल पा रही है। और इस विश्वास को मैं हर दिन बढ़ाऊँगी। और हमने, मैं बताना चाहूँगी इस न्यूज़ के चैनल के जरिए कि हमने वीक के हर महीने का जो पहला इतवार है उसके उस पर हम कोई ना कोई नई एक्टिविटी करेंगे गांव के प्रोग्रेस के लिए, तरक्की के लिए। 2 दिसंबर को मैंने जो है शपथ ली थी, उसके बाद 4 दिसंबर को हमने जो सफाई अभियान चलाया था पूरे गांव का, और मैं एक पानी की सरपंच हूँ, लेकिन जो हमने सफाई अभियान का जो आह्वान किया था वो पूरे गांव के लिए किया था। दोनों पाना जो हमारे दोनों पाने हैं, उन दोनों पानों को हमने इसमें शामिल किया। तो हम इस जो 4 दिसंबर को जो हमने ये जो सफाई अभियान चलाया था, उस अभियान में ना हमने पूरे दोनों पानों को हमने शामिल किया था, मतलब पूरे गांव को हमने शामिल किया था। और अब जो नए साल का ये पहला ही इतवार है और बाई चांस नया साल है आज, तो हमने जो है सामूहिक यज्ञ का जो है आयोजन किया है, और इस यज्ञ के जरिए हमने एक भाईचारे की मिसाल कायम करने के लिए, हमारा ये उद्देश्य था इसके पीछे कि भाई सारा गांव इकट्ठा हो, सारा गांव इकट्ठा होके नव वर्ष के लिए मतलब अपना जो है शुभकामनाएं पूरे गांव एक दूसरे को दे और आशीर्वाद एक दूसरे का ले, और हमारा जो है आपस में भाईचारा और प्यार बना रहे। अच्छा, एक बात और पूछना, इस यज्ञ के अंदर जो जो लोग शामिल होते, क्या पूरे गांव से शामिल हुए थे या आपके पाने के शामिल थे? सर, पूरे गांव के से जो हमारे जो यज्ञ में जो जो लोग शामिल हुए। तो संदीप जी, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद। संदीप जी, लगातार जो है कुछ ना कुछ अलग अलग एक्टिविटी करते ही रहते हो, समय बड़ा लंबा है, कई बार हम पूछते हैं कि क्या क्या कुछ खास काम करने वाले हो। अभी जैसे हमने अनिशा जी से बात की तो इन्होंने बताया हर महीने के जो है फर्स्ट संडे को कुछ ना कुछ नई नई एक्टिविटी होगी, तो साल में देख लो कितने संडे आने वाले हैं। कहीं अनिशा जी ने बार बार जो है, मैं बता रहा हूँ, फीडबैक में लेता ही रहूँगा, अनिशा जी वादे कर रहे हैं हर बार जो है संडे पे क्या कुछ नया निकाल के लाओगे। सबसे पहले YBP न्यूज़ को भी नए साल की बहुत बहुत बधाई और आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला। अनिशा जी ने बिल्कुल ठीक कहा है, हमने पहले ही सुनिश्चित किया था कि हमारे पास 8 महीने काम करने के लिए, जो गांव वालों ने हमें चुन के मौका दिया सेवा करने का, तो हर महीने के पहले इतवार को हम कोई सोशल वर्क करेंगे। ये भी एक सोशल वर्क का हिस्सा है कि हम सब लोगों ने इकट्ठे मिलकर नए साल की एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और नया साल हमने सामूहिक तौर पे मनाया। और गांव में हम उम्मीद करते हैं कि आज 1 जनवरी है कि पूरा साल पूरे गांव के लिए बहुत मंगलमय रहे, सबके घर में बहुत खुशी आए, और हमने जो अपने गांव के विकास के लिए, गांव की भलाई के लिए चीज़ें सोची हैं, तो सबके आशीर्वाद से हम भी उसको पूरा कर पाएँ। और हर पहले संडे को, पहले मतलब महीने के पहले संडे को हम कुछ न कुछ सोशल वर्क करेंगे, हमने सोच रखा आगे तक का, आपको हर महीने आपको बुलाएंगे और आप उसको कवर भी करना, ये हमारा आपसे आग्रह भी है। काम करते रहो संदीप जी, हम लगातार आपसे जुड़े रहेंगे। आज जो है इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे किया गया, धार्मिक
कार्यक्रम था, एज किया गया, ज़्यादा कुछ मैं बातें नहीं करूँगा इससे हटके, लेकिन युवा हो आप भी तो जिस तरीके से न्यू ईयर पे बड़ी बड़ी पार्टियां सेलिब्रेट करते हैं और अब तो सरपंच भी बने हो, उसकी खुशी में कहीं यार दोस्तों को लेके घूमने का प्रोग्राम बनाते, ये का भी विचार कहाँ से आया? सर देखो, ऐसे विचार पहले भी हमारे नहीं रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि नया साल कुछ इस तरीके से मनाया जाए कि उसका पॉजिटिव संदेश भी जाए और सब भी सम्मिलित होकर सही काम के लिए आगे बढ़ सकें। तो हमारा एक ओवरऑल एक उद्देश्य, देखूँ तो दो शब्दों में उसको, कि पॉजिटिव कंपटीशन क्रिएट हो समाज में, जब समाज की भलाई होगी तो उसी का एक हिस्सा है ये। हमने देखा जिस तरीके से स्वामी आदित्य जी यहाँ पे आए हुए थे, क्या कुछ उन लोगों के बारे में? सबसे पहले पूरे गाँव वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि सभी ने इस आयोजन में हिस्सा लिया। उसके साथ साथ पूनम जी, प्रवेश जी, दोनों बहनें हमारी, और आर्य जी, दोनों स्वामी जी हमारे, ठीक है, वो आए, उनका भी विशेष तौर पे धन्यवाद। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है क्योंकि ये सभी का हवन था और सभी शामिल हुए, तो एक ये सामूहिक प्रोग्राम था, उसको सामूहिक तौर से सभी ने बहुत अच्छे से संजोया भी। संदीप जी, और भी माताएं, बहनें और भाई लोग आए, उनसे भी दो चार बातें कर लें। जरूर, बहुत बहुत। तो दोस्तों, एक बार फिर से जो है आप सभी को नव वर्ष की जो है शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं इसी तरीके से आप लोगों का प्यार हमें भी मिलता रहे और आप लोगों की सेवा में लगे रहे। धन्यवाद।